नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ननद भाभी की रसोई में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल का पापड़। चावल का पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चावल को भिगो दिया था। यहाँ पे मैंने इसी कटोरी से 2 कटोरी चावल लिया था, जिसे रात में अच्छे से साफ करके इसे भिगा दिया था और मैंने इसका पानी भी छान लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से फूल गया है। भिगा कर पापड़ बनाने से वह बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। ये देखिए, मैं मैश करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने पापड़ बनाने के लिए नए चावल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी चावल का इस्तेमाल कर सकती हैं, नए चाहे पुराने। यहाँ पर मैंने कुकर लिया है, कुकर में इन सभी चावल को डाल दूंगी। चावल डालने के बाद मैं चावल जितना मैंने चावल लिया है उसका 2 गुना पानी डालूंगी। यहाँ पर मैंने 4.5 कटोरी इसमें पानी डालूंगी। अगर आपको और भी ज़्यादा नरम बनाना है तो इसमें आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा कुरकुरा दानेदार पापड़ बनाना है, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ 4.5 कटोरी पानी डाला है। मैं चावल को कुकर में पका रही हूँ। आप चाहे तो किसी भगोने में भी इसे पका सकते हैं। पानी डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी और अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। चावल का पापड़ झट से बनके तैयार हो जाता है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर लूंगी और उसके ऊपर कुकर को रख दूंगी। यहाँ पर मैं 3 से 4 सीटी में इसे पका लूंगी। ये देखिए, चावल पक के तैयार हो चुका है। मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डालूंगी। अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मिर्ची का इस्तेमाल ना करिए। और 1 चम्मच जीरा डालूंगी। आप जीरे की जगह अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। भिंगा कर चावल का पापड़ बनाने से वह सूखने के बाद टूटते भी नहीं हैं और वह खाने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आप कलर वाला चावल का पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल सकती हैं, जिससे कि आपके रंग बिरंगे पापड़ भी बनेंगे। यहाँ पर मैं कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। सारा चावल थाली में निकल चुका है। अब मैं इसे ऐसे ही ठंडे होने के लिए छोड़ दूंगी। छत पे चल के मैं पापड़ बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ प्लास्टिक बिछाया हुआ है। प्लास्टिक पे मैंने तेल पहले से लगा लिया है। आप तेल लगाने के बाद ही प्लास्टिक पे पापड़ डालें, नहीं तो वह चिपक जाएंगे और उसमें से निकलेंगे भी नहीं। यहाँ पर मैंने पापड़ बनाने वाली मशीन ली हुई है और उसी के आकार का प्लास्टिक काटा हुआ है। प्लास्टिक में मैं दोनों तरफ से तेल लगा लूंगी, जिससे कि पापड़ बनाने में आसानी हो। दोस्तों, अगर आपके पास पापड़ बनाने वाली मशीन ना हो तो आप सिर्फ प्लास्टिक से भी पापड़ बना सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास मशीन है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं हाथ में थोड़ा तेल लगा लूंगी और छोटी छोटी लोई बना लूंगी। आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकती हैं या फिर किसी प्लेट से भी दबा कर उसको बना सकती हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए मैं और मेरी दीदी दोनों लोग जल्दी से लोई बना ले रहे हैं, जिससे कि पापड़ बनाने में आसानी हो। चावल का पापड़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं खाने में। ये देखिए, लोई बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं एक एक करके पापड़ बनाऊंगी और दीदी इस पे फैलाती जाएंगी। धूप अगर तेज हो तो चावल का पापड़ एक ही दिन में सूख के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने चावल के पापड़ को 2 दिन में सुखाया है। पापड़ सूखने के बाद आप उसे डिब्बे में भर कर रख दीजिएगा और उसमें हवा ना लगे, जिससे कि वह खराब नहीं होगा।
और लंबे समय तक चलेगा भी। यहाँ पर मैं बचे हुए चावल की भी लोई बना लूँगी। लोई बनके तैयार हो चुका है, चलिए फटाफट बनाते हैं पापड़। पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे किसी भी पापड़ खार या सोडा का इस्तेमाल नहीं किया है। सारे पापड़ बनके तैयार हो चुके हैं, अब मैं इसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दूंगी। मैं इसको 2 दिन तक धूप में अच्छे से सुखा लूंगी। पापड़ सूख के तैयार हो चुका है, अब मैं इसे आपको छान कर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दी थी, तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसे छानूंगी। चावल का पापड़ छानने के लिए आप गैस के फ्लेम को हाई ही रखें, जिससे कि वह पापड़ अच्छे से छनेंगे। आज का आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कुरकुरे चावल का पापड़ छन के तैयार हो चुका है खाने के लिए।